हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में है तो हम जाने वाले हैं मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए, तो ब्लॉग में बने रहिए। और ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज है तो दिन भर है तो मतलब मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलो शुरू करते हैं। और ये हेलमेट को अपन ने माउंट कर लिया है और चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि मोटो ब्लॉगिंग भी कैसे होती है। चलो चलो, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि पहले है तो मैंने जब इसको मैं लाया था, इसके बाद में है तो मैंने कभी है तो इसके साथ में ब्लॉग ही नहीं बनाया। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इसको सही ढंग से है तो ट्राई किया जाए। तो चलो शुरू करते हैं, मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं और दरवाज़ा करते हैं लॉक। तो इधर खड़ी हमारी बाइक और बाइक से ही आने वाले हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा आज मोटो ब्लॉगिंग करने में। चलो, ओह माय गॉड, सामने से ट्रैक्टर आ रहा भाई। इसके पहले अपन निकल जाओ ट्रैक्टर आने के पहले पहले, नहीं तो वो फंस जाएगा तो फिर अपनी दिक्कत हो जाएगी। वो आ ही गया रे भाई, अब तो फंसा दिया मेरे को लग रहा है क्योंकि ट्रैक्टर आ गया ना सामने से तो अभी दिक्कत हो जाएगी। ट्रैक्टर आ गया ना रास्ता, एक तो छोटा सा ही है यहाँ पे, गली बहुत छोटी है, सही से निकल नहीं पाते इसमें से, रास्ता बहुत छोटा है। मतलब ट्रैक्टर कोई बड़ी गाड़ी फंस जाती है ना तो निकल ही नहीं पाते हैं। जय बजरंग बली। ये देखो भाई साहब, काफ़ी मस्त दिख रहा है कि नहीं? और मोटो ब्लॉगिंग करने में काफ़ी मस्त मज़ा आ जाता भाई। और आवाज़ आ रही कि नहीं भाई बताना यार, मैंने तो अभी तक की ट्राई भी नहीं किया है, बस चालू कर लिए कैमरा और बस उठा के चल दिया। मैं काफ़ी दिन से सोच ही रहा था कि मतलब मोटो ब्लॉगिंग करूं, बाकी ये तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और फिर ये तो मैंने सोचा कि चलो आज ये तो मोटो ब्लॉगिंग करें और आप लोगों को दिखाएं सही ढंग से, और इसका रिव्यू भी हो जाएगा मतलब अच्छी तरह से कि मतलब कैसे क्या काम करता है ये मतलब हेलमेट का माउंट। तो उसी के लिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज मोटो ब्लॉगिंग कराया जाए और आप लोगों को थोड़ा घुमाया जाए और अच्छी तरह से तो दिखाया जाए। तो चलो, और आज है छठ की पूजा करते हैं ना, जो मतलब आज है मतलब छठ है, छठ। वाह क्या फ्लावर लग रहे, मस्त दिख रहा भाई। और इधर क्या ट्रैफिक लग गया भाई हमारे गली में। तो भाई लोगों बताना यार कमेंट करके मतलब हमारे वीडियो कैसे लगते हैं यार, आपको पसंद आते कि नहीं आते हैं। अरे इधर से नहीं जाना है मेरे को इधर से जाना पड़ेगा, इधर से ही आते हैं। चलो इधर से जाने में क्या है कि सही रहेगा ना, थोड़ा लंबा टूर देखने में अपन को काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये है जयनगर चौराहा जो कि हमारे फर्स्ट टाइम है, तो मतलब मार्केट वगैरह लगता रहता है यहाँ पे, और मतलब कहीं भी सामान लेना रहता है ना तो हम यहीं से सामान ले जाते हैं खाने पीने के लिए। जो भी मार्केट का सामान हो गया, हरी सब्जी हो गया, ये किराना सामान हो गया, वो तो सब यहीं से ले जाते हैं जयनगर से। जयनगर में क्या है कि अच्छा खासा मार्केट लगता है। और बाकी तो ऐसे तो मतलब पीतमपुर में ना तो मतलब डेली भी मार्केट लगता है, रोज दिन मार्केट लगता है यहाँ पे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब हफ्ते का या मतलब लगता है मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। सुबह से मार्केट लग जाता है, मंडी चालू हो जाती है सब्जी की, तो काफ़ी ये सही बात है पीतमपुर वाले लोगों के लिए कि अच्छी तरह से मतलब है तो मार्केट कर सके। वाह जय बजरंगबली।
और ये है राधा कृष्ण मंदिर। सबसे बड़ा मंदिर है ना तो यही है, राधा कृष्ण मंदिर है यहाँ का पीतमपुर में। और यही मंदिर है तो मतलब ज़्यादा करके जाना जाता है। और पीतमपुर के भाई लोग उन काफ़ी मस्त रहते हैं भाई, सुबह से है तो मतलब ना तो जल्दी है तो अपने अपने काम धंधे से लगे रहते हैं। सुबह से उठते हैं बस नहाओ धो तैयार हो के बस ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ किसी को है तो मतलब किसी से लेना देना नहीं है, बस अपने काम धंधे से ध्यान रखते हैं, काम धंधे पे लगे रहते हैं बस। और इधर है शादी का टेंट लग रहा है भाई, क्या है कि अभी है ना तो इधर शादी वादी को कुछ प्लान बन रहा है मेरे को लग रहा है, इसीलिए तो स्टेज सजा दिया इधर। ठीक है मेरे पापा। ओके गाइस, तो अभी आ चुका हूँ मैं वृंदावन कॉलोनी में और यहाँ से अभी चलते हैं ऐसे चौराया, ऐसे चौराहे पे जाएंगे और मस्त है तो थोड़ा भूख भी लग रही है तो चलो खाना वाना खाते हैं और फिर देखते हैं और कहीं जाने का प्लान बनेगा तो जाएंगे। पहले तो अभी है तो ऐसे चौराहे चलते हैं, वहीं पर खाना वाना खाते हैं, फिर है तो चलते हैं कहीं और, तो चलो चलते हैं। तो फाइनली पहुँच गए ऐसे चौराहे। चलो फाइनली खाना वाना हो गया है और अभी चलते हैं उधर आयसर चौराहे पे, दिखाते हैं आपको आयसर चौराहे पे चलते हैं, फिर तो उधर आगे भी जाना है। ओके गाइस, तो ये वाला है आयसर ब्रिज, आयसर चौराहा यहाँ का पीतमपुर में, तो इधर भी है, अभी इधर रोड बन रहा है तो चलो अभी चलते हैं उधर और तो कहीं और चलेंगे। तेरे जाने के बाद मुझे तू सता। इतनी खतरनाक भीड़ हो रही है, पूरी तबाही मच रही है भाई इधर तो, पूरा गली में पूरा गली से पूरे रोड तक पूरा भर रखा है। चलो अब चलते हैं और ये देखो भाई आज तो पूरा रोड जाम हो गया है, पूरे छठ वाले हैं तो अभी पूजा उजा करके आ रहे हैं ना, सब दूर है तो मोंडिया से आ रहे हैं सभी लोग पूजा करके और पूरे गली में है तो पूरा जाम लगा रखा है। सुबह सुबह है तो चले जाते हैं और शाम को भी है तो फिर है तो पूजा करके है तो शाम को मतलब आते हैं। और आज हम तो गए थे मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए तो इसलिए तो मतलब वो जा नहीं सके उधर छठ की पूजा में, हम भी नहीं तो हम मतलब आज है तो ब्लॉग नहीं बनाते ना हम तो फिर है तो मतलब आज है तो मैं छठ का पूजा बनाता हूँ, मतलब छठ की पूजा में करने वाला है तो मतलब ब्लॉग बनाता आज में, पर क्या करें आज है तो मैं घूमने के लिए चला गया था तो वहीं पे तो फिर ब्लॉग बनाया मैंने। अभी गाड़ी चल रही है अपनी तीसरे गियर में, इतने ट्रैफिक में भी मैं तीसरे गियर में गाड़ी चला रहा हूँ बताओ। और आप लोगों को बताना है भाई कि कैसा लगता है हमारा मोटो ब्लॉगिंग, ये कमेंट करके बताना सभी लगे है ना। ओह माय गॉड, मतलब लाइट चली गई ना आज, पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा गली में पूरा। ओ भाई साहब, बच्चे ना हटते नहीं यार, ओ गाड़ी को देख के और जल्दी है तो मतलब गाड़ी के सामने आते हैं सीधे।
ओके गाइस, तो फाइनली अभी आ गए हैं घर पे। और कैसा लगा हमारा मोटो ब्लॉगिंग? तो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, बुरा लगे तो भी कमेंट करके बताना, ताकि ये तो हम आगे और भी अच्छा कर सके। तो आई होप कि आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट ब्लॉग में। जब लग टाटा, बाय बाय एंड लव यू, बाय।